स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसको गाड़ी के ऊपर बांधा हुआ था और वो लोग एक रेगिस्तान में इसको लेकर जा रहे थे। ये आदमी काफी देर से चिल्ला रहा था जिसको गाड़ी के ऊपर बांधा हुआ था। फिर ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और उस आदमी को फ्री कर देते हैं, मगर तभी इनकी तरफ रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और सब लोग इस रेतले तूफान से बचने की कोशिश करते हैं, मगर ये तूफान बहुत ज्यादा तेज था जिसकी वजह से इन लोगों की कुछ गाड़ियां पलट जाती हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ये तूफान तो रुक जाता है और वहाँ पर जो लोग बच गए थे वो रेत से बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और अपने आप को जल्दी जल्दी छाड़ रहे थे क्योंकि तूफान के साथ कुछ कीड़े इन पर चढ़ गए थे। तभी एक आदमी यहाँ पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में एक रेतला कीड़ा चला गया था। ये लोग जब उस कीड़े को उस आदमी की बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये कीड़ा फौरन रेत में गायब हो जाता है। इस तूफान में इन लोगों ने अपने बहुत ज्यादा साथियों को खो दिया था। इसके बाद इस मूवी की कहानी हमें कुछ घंटों पहले की दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एक सिटी गेट पर अचानक से हमला हो गया था। इस हमले को किसी और ने नहीं बल्कि एक रेतले क्रिएटर ने किया था और इसके साथ और भी ज्यादा कीड़े थे। इसके बाद सब लोग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब हम उन्हीं लोगों और वही प्रोफेसर को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जो रेगिस्तान में जा रहे थे। यहाँ पर प्रोफेसर कहता है कि मेरा इंस्टीट्यूट OSCS को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। तभी एक आदमी उस प्रोफेसर से पूछता है कि वो रेत के कीड़े हमें कितने दिनों में पकड़ लेंगे। वो प्रोफेसर कहता है कि वो कीड़े हमें 5 दिन के अंदर अंदर पकड़ सकते हैं। वो प्रोफेसर उन सबको बताता है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के नीचे एक आदमी लटका हुआ है। तभी प्रोफेसर इनको बताता है कि NC5 नाम का ट्रक OSS में एंटर होने का टिकट है जो कि सेंट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का एक अहम हिस्सा है। तभी एक आदमी यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है कि मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए खुशकिस्मती से वो ट्रक मेरे पास है। वो आदमी जैसे ही अपने बॉक्स को चेक करता है तो उसमें से कुछ ट्रक्स गायब होते हैं। ये देख कर तभी उस गाड़ी में जो कैप्टन था वो नीचे शूट कर देता है और जो आदमी इनकी गाड़ी के नीचे लटका हुआ था वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो आदमी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था क्योंकि उसको बुलेट लगी थी। वो आदमी जिसने ड्रग्स चुराया था वो आकर एक आदमी को दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रक आकर उसी आदमी को देता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। ये वही आदमी था जिसको गाड़ी के ऊपर बांधा हुआ था। इस आदमी का नाम माबू था। जब ये सारी इंफॉर्मेशन उस आदमी से ले लेता है तो एक जगह पर जाकर ये छुप जाता है जहाँ पर इसको एक छोटी बच्ची मिलती है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये आदमी उस बच्ची को दरवाजे के पास खड़ा कर देता है और उस आदमी ने जो इसको पेपर और ट्रक दिया था उस पेपर पर जो कोड लिखा हुआ था उसको याद कर लेता है। इसके अलावा जो इसके पास ड्रग वाली ट्यूब थी उसको छुपा लेता है। इसके बाद हम प्रोफेसर और उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास से ये ड्रग चुराया गया था। वो माबू को पकड़ लेते हैं। ये लोग जब इसको शूट करने वाले थे तभी ये आदमी उस पेपर पर पड़ा हुआ कोड पढ़ता है। प्रोफेसर ये कोड जब सुनता है तो इसको बचा लेता है क्योंकि असल में वो नंबर OSS के कोऑर्डिनेट्स थे और इन्हीं नंबर्स की मदद से वहाँ तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन माबू इनको बाकी का नंबर नहीं बताता। वो कहता है कि बाकी मेरे माइंड में है, मगर तभी वहाँ पर रेतले कीड़े आकर अटैक कर देते हैं। ये लोग अब माबू को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग रेगिस्तान में आकर बुरी तरह से फंस गए थे क्योंकि इनके मैकेनिक को भी रेत के कीड़ों ने मार दिया था जिसकी वजह से इनके व्हीकल्स रिपेयर नहीं हो सकते थे। तभी इनके ग्रुप में से एक आदमी बताता है कि हमारे पीछे एक अजीब सी गाड़ी खड़ी है। ये लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं। उस गाड़ी में ली नाम का आदमी अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ ट्रेवल कर रहा था, लेकिन उस खौफनाक रेत के तूफान की वजह से ये भी यहाँ पर आ गया था। ये लोग ली से हेल्प मांगते हैं और वो इनकी गाड़ी को ठीक कर देता है। इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर ली को खाने और पीने के लिए कुछ देता है,
मगर ली प्रोफेसर को मना कर देता है। इस पर प्रोफेसर मिस्टर ली से कहता है कि हमें अभी भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। हमारे लिए कुछ दिन तक ड्राइव करनी होगी। लेकिन ली यहाँ पर सिटी में वापस जाना चाहता था, इसलिए वो इन लोगों की बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर ये लोग ली के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी सिटी में पावर प्लांट ब्लास्ट हो जाता है। ये देख कर ली बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ इनके साथ ही जाने का ऑप्शन बचा था। तभी यहाँ पर प्रोफेसर मापो से पूछता है कि तुमने ओएसिस के बारे में कहाँ से सुना है, और तभी ये लोग सभी यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब मापो ली की गाड़ी में बैठा था, लेकिन गाड़ी में ली की बेटी की टीचर भी छुपी हुई थी। मापो जब उसको देखता है तो बाहर आने का कहता है। अब कुछ टाइम के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। कैप्टन प्रोफेसर से कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से रेत की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आगे जाने में हमें काफी ज्यादा मुश्किल होगी। अब प्रोफेसर कैप्टन की बात को मान जाता है और ये लोग अब यहीं पर टेंट लगाते हैं। इसके बाद मापो बैठकर उस बच्ची के बारे में सोच रहा था, जिसको इसने दरवाजे के पास खड़ा कर दिया था, क्योंकि ये लोग उस वक्त मापो को ढूंढ रहे थे और इसने उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से उस बच्ची को दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो लोग रूम की तरफ आए थे, उन्होंने फायरिंग कर दी थी और इसी में उस छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी। तभी मापो को नजर आता है कि इनकी तरफ बहुत ज्यादा कीड़े आने लगे हैं, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया था। सभी लोग गाड़ी में छुप जाते हैं, लेकिन इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जिसके पास ट्रक था। इसका नाम मिस्टर सून था। मिस्टर सून जल्दी से एक आदमी को इन कीड़ों को मारने के लिए बाहर भेजता है। वहीं पर मापो जिस गाड़ी के अंदर था, उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो रेतले कीड़े इनकी तरफ आने लगते हैं। ये लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश भी करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। वो कीड़े तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए अब ये लोग गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, मगर ये लोग बाहर भी सेफ नहीं थे। तभी मापो देखता है कि पेट्रोल की वजह से वो रेतले कीड़े दूर भाग रहे हैं। इसके बाद वो अपने और ली फैमिली के ऊपर पेट्रोल डाल देता है, ताकि कीड़े इनके पास ना आए, और वो रेतले कीड़े वाकई ही अब इन पर अटैक नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर कैप्टन और मिस्टर सून और बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। मगर यहाँ पर प्रोफेसर बताता है कि ये आइडिया ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा, इसके बाद कीड़े और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और अब सभी लोग अपनी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। मगर फिर भी इनमें से एक गाड़ी पर रेतले कीड़े बुरी तरह से उस गाड़ी को जकड़ लेते हैं और उस गाड़ी में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अब चलते चलते सुबह हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर मिस्टर ली की वाइफ को बैंडेज कर रही है, क्योंकि रात के अटैक की वजह से एक रेतले कीड़े ने इनको काट लिया था। मगर तभी मिस्टर ली की वाइफ देखती है कि टीचर का हाथ भी इंजर्ड है, लेकिन टीचर उसको बताती है कि मुझे तो एक स्टील पाइप से चोट लगी थी। फिर कुछ देर बाद ये लोग एक जगह पर से गुजरते हैं, जहाँ पर सालों पहले एक समंदर हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह भी बुरी तरह से बंजर हो गई थी। तभी कैप्टन इन लोगों को गाड़ी रोकने का कहता है, और जिन लोगों को रेतले कीड़ों ने काटा था, ये लोग उनको मारने लगते हैं। इसके बाद ये लोग मिस्टर ली की बेटी की टीचर को भी मारने लगते हैं। ये बात मापो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। फिर प्रोफेसर यहाँ पर बताता है कि इन कीड़ों में एक जेंस मेमोरी होता है, जिसकी मदद से वो इन्फेक्टेड आदमी को ट्रैक कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बाकी सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद कैप्टन उस टीचर को शूट करने जाता है, मगर तभी यहाँ पर मिस्टर ली की वाइफ उसको रोक देती है और उनको बता देती है कि रेतले कीड़े ने उसे नहीं बल्कि मुझे काटा है, इसीलिए तुम लोग इसको जाने दो और मुझे मार दो। ये देखकर मापो बहुत ज्यादा वहाँ पर दुखी होता है, जबकि ली और उसकी बेटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। अब मापो यहाँ पर मिस्टर सून से कहता है कि टीचर एक स्टील पाइप से जख्मी हुई है,
और मैंने सुना है कि इसके फैमिली मेंबर्स ओएसिस के सीनियर्स हैं, और अगर हम उसको अपने साथ ले गए तो ओएसिस में जाने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये सुनकर मिस्टर सून को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो टीचर को नहीं मारता, मगर वो मिस्टर ली की सख्मी वाइफ को वहीं पर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जो कि ली और उसकी बेटी के लिए काफी पेनफुल था और मिस्टर ली की वाइफ भी काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वहाँ पर रेत ला कर ये चला जाता है और मिस्टर ली की वाइफ को मार देता है। इसके बाद वो लोग जब आगे जाते हैं तो एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर जो रेत थी वो खिसकने लगती है और ये लोग सभी उस रेत के नीचे जाकर गिर जाते हैं। मापू वहाँ पर अपना टॉर्च निकालता है और इन सबको उठने में मदद करता है, जिसमें से टीचर का पाँव तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। और वो देखते हैं कि मिस्टर सून की बॉडी में दो रॉड लग गए हैं, अब उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर मिस्टर सून सबसे कहता है कि अगर मैं मर गया तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, और इसके बाद वो NC5 वाली ट्रक ट्यूब तोड़ने लगे, क्योंकि इसके बगैर कोई भी आदमी ओएसिस के अंदर नहीं जा सकता था। तभी यहाँ पर कैप्टन मिस्टर सून को मार देता है और लास्ट जो बची हुई ट्यूब थी वो इससे ले लेता है। इसके अलावा वो इसके फिंगर को भी काट लेता है। असल में ये लोग जहाँ पर थे वो एक शॉप थी, इसीलिए अब ये लोग पेट्रोल ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत कम पेट्रोल बचा था। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इनके सामने एक बहुत बड़ा रेतला क्रिएचर होता है। तभी गलती से टीचर के पांव से एक कैन टच होता है, जिससे साउंड क्रिएट हो जाता है और वो कीड़ा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर एक पत्थर को दूसरी साइड पर फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी रेतले कीड़े थे वो उस साइड पर चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब ये तीनों ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा रेतले कीड़े होते हैं, जिसको देखकर इनकी हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मापू वहाँ पर प्रोफेसर को पेट्रोल का यूज करने का कहता है, लेकिन वो इनकी बात नहीं मानता और इनके पास एक बोतल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद रेतले कीड़े मापू और टीचर का पीछा करने लगते हैं। वो लोग फिर से ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रेतले कीड़े थे। मापू वहाँ पर एक कोने में से भागने का प्लान बनाता है, मगर टीचर का पाँव जख्मी था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकती थी। वो रेतले कीड़े टीचर को पकड़ लेते हैं। ये देखकर मापू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, मगर टीचर उसे वहाँ से जाने का कहती है और कहती है कि तुम मिस्टर ली की बेबी का ख्याल रखना। इसके बाद रेतले कीड़े टीचर को पूरी तरह से खा जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कैप्टन और मिस्टर ली भी रेतले कीड़ों में फंसे हुए थे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर भी पेट्रोल लेकर आ जाता है और मिस्टर ली को गाड़ी स्टार्ट करने का कहता है। अब मापू भी वहाँ पर आ गया था और किसी तरह से उनकी गाड़ी के पीछे लटक जाता है, लेकिन इसी बीच एक रेतला कीड़ा कैप्टन के पाँव को पकड़ लेता है, मगर कैप्टन उस रेतले कीड़े को शूट कर देता है। इसके बाद ली अपनी गाड़ी को उस जगह से निकाल लेता है और ये लोग दोबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं। अब मापू गाड़ी में गुस्से में प्रोफेसर का गला पकड़ लेता है, क्योंकि उसको प्रोफेसर पर गुस्सा आ रहा था, उसी की वजह से टीचर की जान गई थी। मगर कैप्टन वहाँ पर प्रोफेसर को मापू से बचा लेता है। इसी बीच इनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये लोग रुकते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगते हैं। वहीं पर ली की बेटी मापू से पूछती है कि क्या आप एक अच्छे आदमी हो। मापू कहता है कि नहीं। ये सुनकर ली की बेटी वहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि अगर आप अच्छे आदमी नहीं हो तो आपने मुझे क्यों बचाया था। ये सुनकर मापू वहाँ पर रोने लगता है और वो मिस्टर ली की बेटी को एक छोटा सा पैकेट देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास छुपा लो और इस पैकेट को तुम उसी वक्त बाहर निकालना जब तुम ओएसिस पहुँच जाओ। इसके बाद मापू उस बच्ची को गले लगा लेता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रोफेसर कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक कीड़ा है। वहाँ पर प्रोफेसर कैप्टन को धोखा दे रहा था। वो जल्दी से आकर उसके गर्दन पर चाकू से अटैक कर देता है और कैप्टन को मार देता है और साथ ही उसको शूट भी कर देता है, क्योंकि असल में प्रोफेसर NC5 वाले ट्रक ट्यूब को लेना चाहता था। इसके बाद यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि असली प्रोफेसर तो कोई और था।
था जो अब तक इन लोगों के साथ था वो नकली प्रोफेसर था। उस प्रोफेसर ने इन रेतले कीड़ों पर सर्च किया था और ये पता लगाया था कि ये बहुत फास्ट प्रोड्यूस होते हैं और ये इंसानों के अलावा कचरे को खा कर भी जिंदा रह सकते हैं, मगर इंसानों ने इन्हें जमीन के नीचे दफना दिया है और इसी वजह से इंसानों का बचवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर का स्टूडेंट आता है। ये वही स्टूडेंट था जिसने अब तक प्रोफेसर की जगह ली हुई थी। वो आकर असल प्रोफेसर को ये कहता है, ओएसिस के लोगों ने आपको इनविटेशन दिया है, मगर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को मना कर देते हैं। वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि इंसान इस चीज को डिजर्व करते हैं और ओएसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर का स्टूडेंट उनको मार देता है और अब तक जो स्टूडेंट था वो ही प्रोफेसर बना हुआ था। अब यहाँ पर दोबारा से हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर ली और माबू दोनों गाड़ी स्टार्ट कर भागना चाहते थे क्योंकि वो रेत ला कर ये चर इनकी तरफ आ रहा था, मगर तभी प्रोफेसर ली के बाजू में शूट कर देता है जिसे उसकी बेटी देख कर रोने लगती है और अब वो मिस्टर ली की बेटी पर भी गन पॉइंट कर लेता है। माबू यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है कि तुम इस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाओ और इस क्रिएचर को यहाँ पर मैं संभाल लूंगा, मगर प्रोफेसर इसको भी शूट कर देता है और यहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन ली इसके पीछे लटक जाता है और माबू ली की बेटी को लेकर दौड़ने लगता है, मगर माबू अब भाग नहीं पा रहा था और वो रेतला क्रिएचर भी इनके पीछे था। तभी ली गाड़ी को रोकने के लिए अपना हाथ उस गाड़ी में फंसा देता है जिसकी वजह से प्रोफेसर की गाड़ी रुक जाती है, मगर वो रेतला क्रिएचर भी गाड़ी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से प्रोफेसर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब माबू उस छोटी बच्ची को लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है, मगर तभी प्रोफेसर माबू के पांव पर शूट कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर इसके बाद प्रोफेसर यहाँ पर कहता है कि ये रेतला क्रिएचर यहाँ पर सभी रेत के कीड़ों का हेड है जिसको बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए। इसके बाद वो मिस्टर ली की बेटी के हाथ पर कट लगा देता है। यहाँ पर माबू बहुत ज्यादा जख्मी था, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो रेतला क्रिएचर भी इनकी तरफ आ रहा था। यहाँ पर माबू उस छोटी बच्ची से कहता है कि जब मैं तुम्हें कहूँ तुम यहाँ से भाग जाना। इसके बाद वो क्रिएचर जैसे ही इनके पास आता है, माबू उस बच्ची को वहाँ से भागने का कहता है और वो खुद प्रोफेसर को यहीं पर रोक देता है, मगर वो क्रिएचर उस छोटी बच्ची के ब्लड की स्मेल की वजह से उसके पीछे जा रहा था। माबू यहाँ पर उस क्रिएचर को शूट करता है, मगर वो क्रिएचर अभी भी उस छोटी बच्ची के पीछे जा रहा था, मगर माबू अब अपना ब्लड उस प्रोफेसर पर लगा देता है। वो क्रिएचर उस छोटी बच्ची को तो छोड़ देता है और वो इनकी तरफ आने लगता है जिसको देखकर उस प्रोफेसर की हालत खराब हो जाती है और वो क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है। इधर वो छोटी बच्ची बिल्कुल अकेली थी और रो रही थी, वो यहाँ पर रेतले इलाके में बिल्कुल अकेली थी। अब वो रेतला क्रिएचर इस छोटी बच्ची के पास आ जाता है और इस पर अटैक करने वाला था, मगर तभी उसी वक्त ओएसिस की आर्मी वहाँ पर आ जाती है और इस पर लगातार फायरिंग करने लगती है जिसके बाद ये क्रिएचर तो मर जाता है और उस छोटी बच्ची के हाथ में वही NC5 ड्रग था जिसको ओएसिस वाले चाहते थे। और इस मूवी के लास्ट में हम रेडियो पर ओएसिस का मैसेज सुनते हैं जहाँ पर उनको उन रेतले कीड़ों को मारने का नया तरीका मिल चुका है और इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।